श्री दुर्गा सप्तशती की आनंदमयी कथा इस प्रथम अध्याय से प्रारंभ होती है, जिसमें सांसारिक दुखों से चिंतित राजा सुरथ और समाधि नाम का वैश्य मेधा ऋषि की शरण में आते हैं और उत्सुकता से मां भगवती द्वारा की गई सांसारिक लीलाओं को सुनते हैं कि मां ने किस प्रकार धर्म की रक्षा हेतु जन्म लिया और काली, लक्ष्मी, सरस्वती व अन्य स्वरूपों को धारण कर दैत्यों का संहार किया, जिसको सुनकर दोनों प्राणियों का कल्याण हुआ और मोह माया से अलग हुए, फिर अपने शरीर को मां की इच्छा से कर्म और भक्ति में लगा पाए। सत्यवादी गुरु में श्रद्धा रखने वाले ना उनको डर था विरोध का संपन्न राज करने वाले थे वीर योद्धा बलशाली धनुर्विद्या में पारंगत थे शत्रु की सेना डरती थी आस पास सब निर्बल थे सब पर्वतवासी उनसे लड़ने को आए थे राजा को हो गया अचंबा मन ही मन घबराए थे आज भाग्य पलटा राजा का दुर्बल से भी हार गए अपनों ने धोखा उन्हें दिया
समाधि कहती है, क्यों दुखी हूँ मैं सच कहता हूँ। सच्चे मार्ग पे चलता हूँ, ईर्ष्या मैं कभी नहीं करता। सब कुछ ईश ने मुझे दिया, कुछ और कामना नहीं रखता। मेरी पत्नी सुख पा करके विधन के बेरी बने, कहते हैं कृपण ताने देकर। सब सुख वैभव मैंने छोड़े, अब पूरी दशा का साया है। अंधकार में डूब गया मन, सोच सोच पछताया है। राजा सुरथ ने धीरज दे शक्ति है क्या बतलाओ। सुमेध मुनि बोले, राजन कहीं नहीं है इसकी उत्पत्ति। देहधारियों में ये रहती, कहलाती जग में चित शक्ति। रक्षा करती है देवों की, फिर अंतर ध्यान हो जाती है। जन्म के समीप ये मां रहती, पर भेद समझ ना पाए हैं। राजा ने कहा, मुनिवर हमको ये भेद खोल कर समझाओ। कैसी है महामाया की छवि, मत देर करो अब बतलाओ। ऋषि ने कहा, सबसे पहले काल रात्रि मां की जय जय बोलो। कैसी है
सकते हैं तभी वहाँ सूखा क्षेत्र वही होगा। विष्णु ने मिला दी हमें हाँ, मुस्का के उन्हें वरदान दिया। अब महामाया का ध्यान किया, गुप्त एक भेद दिया माता ने। विष्णु ने यश गुण गान किया, शैया पे विश्राम किया। मैदा फटा उन दोनों का, जल धुंधला हुआ फिर लाल बना। मैद से मेदिनी नाम हुआ, पृथ्वी का रूप विशाल बना। काले बालों से जंगल का पक्ष चल चर सभी जीव हर वातावरण को सहते हैं। मधुकैटभ को महामाया ने विष्णु के द्वारा मिटवाया। रक्षा की ब्रह्मा जी की यहाँ पहला अध्याय जो कहलाया। ऋषिराज ने फिर आश्रम में सुंदर कथा सुनाई है। महालक्ष्मी ने इस पृथ्वी की कैसे लाज बचाई है। महिषासुर के दैत्य हुआ कहते थे उसको बलशाली। छीन लिया इंद्र का आसन, देव भूमि कर दी खाली। दुखी देवता विनती करने ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा उनको साथ मिले ऊंचे पर्वत कैलाश गए। जी के पास ले जाकर बोले संकट कैसे टले। फिर विष्णु के सम्मुख आए हो हताश सब हाथ मले। विष्णु जी ने दुख सुन करके क्रोध में भौहे ली थी ता। धीरज दे सबसे बोले आगे नहीं होगा अब अपमान। विष्णु मुख से निकला तेज, शंकर ने भी तेज दिया। ब्रह्मा और इंद्र देव ने दिव्य शक्ति को रूप दिया। जितने देव उपस्थित थे सबने ही शक्ति दी अपा। सबके तेज ने रूप बदल बोली थी शिव की जय जय का। से मुख पे
भुजा बनी ब्रह्मा से चरण पूजन वाले। चंद्र तेज से स्तन बने और इंद्र तेज से मध्य भाग, वरुण तेज से जंघा पिंडली और पृथ्वी से नितंब भाग, बसों से उंगली हाथों की नासिका कुबेर से दांत बने प्रजापति, तेज से अग्नि के तेज से नेत्र पलक, भौं है प्रगति संध्या से वायु से उपजे अन्य बा, अन्य देवों से गुप्त अंग अब कन्या भरने लगी पूछा। जितनी दिव्य शक्ति थी सबने दे डाला, मुस्काई अम्बा वरदानी मन में थी क्रोध भरी ज्वाला। शंकर जी ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र थमाया था, अग्नि ने दी निर्भय शक्ति, वरुण शंख पकड़ाया था, वायु ने भेद में धनुष बाण, महिषासुर को पता चला, सेना को तुरंत बुला लाया, क्रोधित होकर सम्मुख बोला, बुरा समय तेरा आया। उदग्र वीर छिछुर चामर सब टक्कर लेने आए वहां, असिलोम बाष्कुल परवरित शव कटे, सैनिक भी रण से भगने लगे। सौ वर्षों तक युद्ध चला, बोला महिषासुर जीतूंगा, इसको हाथों से मारूंगा, केश पकड़ के खींचूंगा। महिषासुर से युद्ध शुरू हुआ। दूसरा अध्याय जो कहलाया, सबसे पहले छिछुर आकर बाणों की वर्षा करने लगा, अज्ञानी था वो शक्ति से सम्मुख मां के लड़ने लगा। हाथी सिंह सिंह ने खाया था, महालक्ष्मी
गिर मर मर के वह शक्ति को शीश झुकाते थे, माँ के हाथ से डरते थे, कुछ अभय दान पा जाते थे। बुरा लगा जब इस रण में महिषासुर सामने वीरों को चबा लेता। कभी सिंह बन छल कपट से असली रूप दिखाता था, बने वीर गजराज रूप माया अपनी प्रगटाता था। समझ गई माँ इस माया को, सोचा इसे मिटाना कर आया है, ये भेद भी मैंने जाना है। अभिमान में चूर करो बोली ये दुष्ट गरज ले तू, जिसकी पूजा करता है अब अंतिम बार सिमर ले तू। चढ़ गई दैत की छाती पर और कंठ पे शूल मिल माँ शक्ति को महिषासुर मर्दिनी काला
यश गाया है, महिषासुर राक्षस को मारा। तीसरा अध्याय कहलाया है। भगवती के सम्मुख देवों ने अपने हृदय के भाव धरे। ऋणी आपकी है जगदम्बे, जग की रक्षा पान करे। गुणगान कौन सी जीवा करे, तेरा पार नाप तक पाया है। स्त्री कुल में लज्जा बनकर अपना प्रभाव दर्शाया है। जो विद्या की इच्छा रखते बन विद्या रूप राज रही। पापी मलिन और व्यसनी का कर अपने आप ही त्याग रही। स्वाहा बन यजमानों के घर अद्भुत ही रूप दिखाती हो। हम जैसों की रक्षा करने रण में शस्त्र चलाती हो। शस्त्र धार के मीठा हो दुर्गम भव सागर में दुर्गा। विष्णु के हृदय में लक्ष्मी हो शिव की शक्ति उमा सुभगा। यश वैभव देने वाली संतान प्रदान करती हो। जो करता गुण गान मात सारे संकट हरती। सबने वचन माँ से मांगा, हम जब भी तुम्हें बुलाएंगे। विनती सुन करके आओगी, राह में नैन बिछाएंगे। अखंड विश्व की सब लीला शक्ति बिन ना चल पाएगी। हम सब कुछ वो कर पाएंगे जैसा कर। सभी बिन कृपा आपकी शक्ति ही। मोह माया में फंस पाए करना दुर्गे ना भक्ति ही। राक्षस आकर हम सबको हर युग में मात डराते हैं। रक्षक बन कर आती हो, हम निर्भय हो जी पाते। बर्ताव बुरा जो करते हैं उनका संहार भी करती हो। कोमल हृदय में ज्योति जगा भक्तों का संकट हरती हो। कितनों को दे दी वीर गति और मृत्यु रोग पहुंचाया है। मरे जो आपके हाथों से उसको स्वर्ग दिखाया है।
देवों ने माँ से लिया वचन, जो मन था दुखी हर्षाया, महालक्ष्मी ने प्रस्थान किया। चौथा अध्याय कहलाया। ध्यान में रख चिंता त्यागो, आगे की कथा सुनाता हूँ। माँ सरस्वती आई रण में, ये पूरी बात बताता हूँ। शुंभ निशुंभ तो दैत्यों ने इंद्रदेव का आसन लिया ही थी। तीन लोक के स्वामी सब कुछ ही हुआ उनके आधी। वायु अग्नि यम कुबेर पृथ्वी पे खाली सभी हुए। डरते ही रहे सूर्य चंद्रमा, हताश वरुण भी दुखी हुए। सबको अपमानित कर डाला, स्वर्ग से उन्हें निकाल दिया। सबने
कटाक्ष वाली नारी ऐश्वर्य प्राप्त करो जाकर, मुझको या मेरे भाई को जल्दी से अपना लो आकर। गंभीर रूप से माँ ने कहा, ये सोचना बिल्कुल कोई
सिर पीने लगा, अपनी भी भूख मिटाने लगा। सैनिक जोड़े हाथ पांव उनको खुर्रा के भगाने लगा। धूम्रलोचन लड़ने आया पहले से अधिक तैयारी से। हुम शब्द कर मां फिर गरजी, मर ही शब्द की बात सुनी शुंभ ने जब वीर मरा हंकारी से। चंड मुंड को भेजा बोला मारो उसे कटारी से। मेरी आज्ञा है तुम सुन लो, केश से खींच के ले आओ। यदि आए मुश्किल इसमें भी पाद पाश में अब चंड मुंड आए लड़ने। ये ही है छठा अध्याय। शुंभ की आज्ञा को माना चंड मुंड भी आए लड़ने को। सेना चतुरंगी संग लिए अभिमान में लगे उछलने वो। देव को जाकर घेर लिया अब शब्द सकती सुंदरी यहाँ।
मस्तक काट दिया। मुंड जैसे ही आगे आया उसको भी पन में छाट दिया। महापराक्रमी उन वीरों को देवी ने क्रोध से मार दिया। पृथ्वी का बोझ किया हल्का, देवों ने हर्ष अपार किया। चंड मुंड के मस्तक हाथ मिले, महाकाली क्रोध में बढ़ती गई। जो आया सम्मुक्ति अमाल मशवों को खूब कुचलती गई। माँ सरस्वती से जा बोली, दो दैत्यों को मैंने मारा। शक्ति थी आपकी माँ बुला
घायल कर डाला, माता का हृदय द्रवित हुआ।
चक्र घुमाया, अब शुंभ पड़ा है चिंता में। नौवां अध्याय कहलाया। देख शक्ति शिव दूति की, शुंभ भी अब थोड़ा घबराया। भाई की मृत्यु सुन कर करने संहार चला। ऐसा
की गति धीमी पड़ गई, फिर भी वो गाने अमकता था। जब मर गया सब हुए मगन, सब देवी देवता हर्षाए, माँ के सम्मुख सारे आए, शुभ गीत सब ने गाए। नदियों रूप बनाया, जिसको माँ कात्यायनी मारा, दसवाध्याय कहलाया। शरण आ गए सभी देव, मात कृपा का तुम रखना, पृथ्वी पर जागृत रहती हो, नव रूप दिखाती हो। शक्ति
शाख मेरी ही कृपा से होने न देंगे कहीं हानि। अन धन शाख लुटाएंगे फिर उनसे पुण्य कराऊंगी, शाखों की सेवा से जग में मैं शाकंभर कहलाऊंगी। दुर्गम राक्षस मारूंगी दुर्गा का रूप दिखा करके, वेदों की वाणी लौटाऊंगी रखूंगी धर्म बचा करके। दैत्य हिमालय पर होंगे झटके से नीचे गिराऊंगी, मुनियों की रक्षा करने को भी मां देवी बन जाऊंगी। अरुण नाम का दैत्य एक माया भी अपनी दिखाएगा, भ्रमर रूप छे पैरों का वायु में प्रकट हो जाएगा। भ्रामर रूप से मारो से दैत्यों का वंश मिटाऊंगी, जो कुछ मैंने करके ही दिखलाऊंगी। शरणागत की रक्षा करने हर युग में मैं आऊंगी, देवताओं की विनती पर एक क्षण कहीं ना रुक पाऊंगी। मन से सुमिर लिगा जो मुझको उसको ही दूंगी दर्शन, स्नेह से मिल पाए विश्व बतलाया। किस नाम से होगा फिर पूजन, ग्यारहवां अध्याय कहलाया। मधुकैटभ महिषासुर का वध शुंभ निशुंभ वध सुनने वाला, विपत्ति से वो दूर रहे निर्भय वो बने पड़े उत्तम जो महात्म सुने कभी, अपनों से ना वो बिछुड़ता आपत्ति में ना फंसे कभी। शत्रु और डाकू कभी उसे इस जग में नहीं सताते हैं, राजा भी उसे प्रेम करे शस्त्र रक्षा करने आते हैं। महापुरुष बनाती हूँ उसको, देह पीड़ा या स्वप्न बुरे उसको ना कभी सताएंगे। यदि फूट संगठन में होगी सब फिर से मिल जाएंगे। जो पुष्प करे मुझको अर्पण या दीपक धूप दिखाता है, पाप से मुक्त कराती हूँ साथी से। भूत प्रेत जादू टोना उस पे न कभी चढ़ पाएगा, मेरी
समझो मैं उसके अंग संग हूँ, मुझको वो अच्छा लगता है। इतना कह के माँ जगदम्बा जल्दी से अंतर ध्यान हुई, रक्षक बनकर आऊंगी मैं लेकर शुभ वरदान गई। दैत्यों के वंश मिटा करके पाताल की ओर उतार दिया, ममता सब पे बरसाही दी, क्षमा किया कल्याण किया। हे राजन वैश्य सुनो, दोनों माँ कितने रूप दिखाती है, जब महाप्रलय होती महामाया बन छा जाती है। सनातनी देवी अम्बे माँ सरस्वती बन जाती है, विद्या शिक्षा देती सबको बुद्धि का ज्ञान बढ़ाती है। वैभव सुख बरसाने वाली महालक्ष्मी है वरदानी, जो याचक बन कर आता देती शुभ लाभ ये महारानी। धर्म की हानि होती है जब राक्षस होते बलशाली, खून से खप्पर भरती है कहलाती है ये माँ काली। धन पुत्र धार्मिक बुद्धि माँ भुवनेश्वरी दिलवाती है, जन्म मरण की रक्षक है कभी भक्षक भी बन जाती है। मेधर्षि की वाणी सुन आनंद सभी को सम्मुख ये वर्णन जब गुरुवर ने बतलाया था। ऋषिवर ने कहा जो कुछ समझा हे राजन तुम्हें बताया है, मेरी जी भकरे कैसे वर्णन मैंने समझाया है। चरण उपासक से देती जीवन को पूर्ण मरता। देवी ने अपने स्वरूपों का पूरा विस्तार समझाया, मेधा ऋषि ने जो भी समझा बारहवा अध्याय कहलाया। राजा सुरथ और वैश्य ने कथा सुनी आनंद लिया, दोनों शीश नवा करके मुनिवर का धन्यवाद किया। फिर कहा मुनि ने तुम दोनों माँ जगदम्बा के जाओ शरण, मोह माया से जाओ निकल, अब माँ को करो करके उपवास करे भटके उस मन को लगा दिया, मन के सोने से मंदिर में भक्ति का दीपक जगा लिया। तन के टुकड़े भी काट काट कष्ट दिया विचलित मन को, माँ के चरण से प्रेम हुआ और सुख भी दिया नश्वर तन को। सौ
समझाया दुर्गा सप्तशती का जो तीरहवां अध्याय कहलाया।